मक्का मदीना एक पवित्र स्थान है जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। मक्का और मदीना जाकर अपनी हज यात्रा पूरी करना हर मुस्लिमों का सपना होता है, लेकिन दोस्तों हमेशा से ये जगह ऐसी नहीं थी। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो ये जगह एकदम सुनसान हुआ करती थी और वहाँ पर जाना शायद ही कोई पसंद करता था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। वैसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बना है मक्का और क्या है इसके पीछे का इतिहास। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हर धर्म के अपने अपने पवित्र स्थल होते हैं और उसका महत्व होता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें चार धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है और इसे काफी ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं मक्का मदीना की, जहां पर मुस्लिम हज करने के लिए जाते हैं। मक्का और मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है और इस जगह को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद मस्जिद अल हरम भी स्थित है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम हज के लिए जाते हैं। मक्का में ही एक पवित्र स्थल है जिसका नाम काबा है। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है जो 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़े ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने से बना हुआ है और इस काबा में एक भी खिड़की नहीं है। सिर्फ आने और जाने के लिए केवल एक दरवाजा बनाया गया है। काबा के अंदर पूर्व की तरफ जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर भी स्थित है। इस्लामी परंपरा के अनुसार नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा के तरफ मुंह रखते हैं और तीर्थ यात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते भी हैं। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि काबा वो स्थान है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। इस काबा के निर्माण के बारे में लोगों का अलग अलग कहना होता है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर किया है, साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर 70,000 फरिश्ते काबा के परिक्रमा करने आते हैं। अरब देशों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम के भगवान यानी अल्लाह ने सबसे पहले 2 इंसान को बनाया था, महिला और पुरुष को, जिसका नाम आदम और हव्वा था। जब अल्लाह इनसे नाराज हो गए थे तो इन दोनों को धरती पर भेज दिया गया था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और जब कई सालों के बाद जिस जगह पर दोनों की मुलाकात हुई वो स्थान मक्का था और यहीं पर आदम ने हव्वा के मिलने की खुशी पर खुदा को सजदा कर शुक्रिया अदा किया और काबा का निर्माण कराया। पहले के समय को देखा जाए और आज के समय को देखा जाए तो मक्का के आकार और बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है। अबराज अल बैत जो मक्का रॉयल क्लॉक टावर होटल होने के साथ दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची इमारत भी है। मक्का शहर समुद्र तल से करीब 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच इसका विशेष महत्व है। पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ शराब का सेवन सख्त मना है। आपने सुना होगा कि मुस्लिम हज पर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उमराह के बाद हज यात्री पहले दिन फज्र की नमाज अदा कर मक्का से 5 किलोमीटर दूर मीना पहुंचते हैं। इन सभी हज यात्रियों को अहराम पहनना होता है जो पूरी सफेद रंग के कपड़े होते हैं, बिल्कुल कफन की तरह। ना ही उसमें कोई सिलाई होनी चाहिए और ना ही कोई गंदगी होनी चाहिए, क्योंकि हज के दौरान पुरुष सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते और हाजी पूरा दिन मीना में बिताता है और बाकी की 4 नमाज यहीं अदा करता है। लेकिन हज यात्रा का इतिहास पैगंबर इब्राहिम उर्फ अब्राहम के समय से माना जाता है। इस पवित्र यात्रा के दौरान हज के रस्मों को निभाने में कई कदम उठाए जाते हैं या नियमों का पालन किया जाता है। इन सभी नियमों के साथ इतिहास का कोई न कोई पहलू जुड़ा हुआ है। मक्का मदीना जाने वाले सभी यात्री इसके शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हज यात्रा का मक्का मदीना यात्रा की तिथियाँ और समय हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तय की जाती है, जो चंद्र वर्ष पर आधारित होता है। हज यात्रा 8वें दिन से 12वें दिन तक और कुछ मामलों में 13वें दिन तक भी होती है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें।